वेलकम माई चैनल माई वर्ल्ड, मेरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं और जितने भी जिन्होंने भी मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सराहा, इतने कम टाइम में मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब किए, लाइक्स किए, कमेंट्स भी मुझे किए, थैंक यू सो मच इसके लिए। और आशा करती हूँ कि मैं आपके प्यार और आपकी उम्मीदों पर खड़ी हूँ। तो बच्चों वेलकम, मैं आपकी बच्चों के ख्वाहिशों के ऊपर ही मैं दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ, वो है हमारा लिंग। ठीक है, लिंग लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज में लिंग परिवर्तन कैसे आपको करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले हम लिंग क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, लिंग क्या है? ठीक है, लिंग समझने से हमें क्या होता है, लिंग क्या है, फीमेल और मेल है कि नहीं, स्त्री और पुरुष। अर्थात लिंग का अगर डेफिनेशन हम सही रूप से करें तो कैसे होगा, जिस शब्द से हमें ये ज्ञात या बोध होता हो कि वो किस जाति का है, अर्थात स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, वो हमारा हो जाएगा लिंग। ठीक है, यानी कि जिस शब्द से हमें उसके जाति का बोध हो कि वो, अर्थात कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, वो उसे हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। ठीक है, यानी कि स्कूल में या टीचर्स या एग्जाम में भी आपको कोई भी एक शब्द दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको शब्द दिया माता। ठीक है, मैंने आपको शब्द दिया क्या, माता। तो आपको क्या करना है, उस शब्द को देखकर आपको बोध, यानी कि आपको आइडिया आएगा, आप सोचेंगे कि वो कौन से लिंग में आना है। उसको शब्दों को देखकर हमें क्या लगा, माता हमें किसे बुलाते हैं, माँ को बुलाते हैं, और हमें अच्छे से पता है माँ क्या है, स्त्री है, एक महिला है। ठीक है, तो माँ क्या है, स्त्री है, तो इसके लिए ये वर्ड, ये शब्द क्या हो गया, हमारे स्त्री जाति का, यानी कि इससे हमें, इस शब्द से हमें ये क्या बोध हो गया, बोध हो गया कि वो किसी जाति का है। और इसके बाद हमें क्या पता चले कौन से जाति का है, तो कौन से जाति का है हमारा, ये स्त्री जाति का है। तो यानी कि ये स्त्री जाति के अंतर्गत आता है और इसमें क्या जाति का बोध हुआ है, तो हमारा क्या है, ये लिंग हुआ है। ठीक है, लिंग के दो भेद हैं, एक है हमारा स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग अर्थात जिस शब्द से, याद रखना मैं बार बार शब्द इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको शब्द ही दिए जाएंगे एग्जाम में, परीक्षण या परीक्षा में आपको शब्द ही दिए जाएंगे, उसी शब्दों से आपको बताना है कि वह कौन से लिंग का है। ठीक है, या उसका लिंग बदलिए। ठीक है, या लिंग निर्णय कीजिए या लिंग परिवर्तन कीजिए। ठीक है, तो इसी शब्दों से आपको पता चलेगा, यानी कि जिस शब्द से आपको उसके स्त्री जाति का बोध हो वो हमारा क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग। ठीक है, और दूसरा जो पुल्लिंग है उससे सेम टू सेम पर थोड़ा सा बदला हुआ है, मतलब आपको जो शब्द दिए जाएंगे, यानी कि जिस शब्द से, शब्द रूप से हमें उसके पुरुष जाति का बोध हो वो हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग। ठीक है, क्लियर, ये छोटा सा स्टोरी था हमारे लिंग क्या है और लिंग के भेद के बारे में। तो जो मेरा आज का टॉपिक है, लिंग परिवर्तन आपको कैसे करना है, लिंग परिवर्तन के नियम क्या है कि नहीं, ना ना नानी, काका काके, चाचा चाची, ये तो हमने कर लिया, दादा दादी, माता पिता, ये सब हमें अच्छे से आता है क्योंकि हमें ये हम सुनते हैं, परवरिश हमें उनसे मिलती है, हम ये सुन के आ रहे हैं बचपन से ना, तो ये बदलाव हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से शब्द हमको एग्जाम या परीक्षण में दिए जाते हैं जिनका भी लिंग बदलना होता है, तो उनका लिंग हमें कैसे देंगे, उनका लिंग हम कैसे बदलेंगे, है कि नहीं। तो हम आज जो टॉपिक है हमारा मेरा वो है लिंग परिवर्तन के नियम, यानी कि आप लिंग को, आप लिंग कैसे बदलेंगे, आपको लिंग कैसे बदलना है उसका मैं आज आपको नियम बता के दूंगी। ये है हमारे लिंग परिवर्तन के नियम। ठीक है, कैसे हैं आप देखते जाइए। मान लीजिए लिंग परिवर्तन आपको, मान लीजिए मैंने आपको दिया है बाल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा बाल को क्या करना है, आप जानते हैं बाल का बाला होता है, तो आप क्या कर दोगे, तुरंत आपको बाल का बाला कर दोगे। लेकिन अगर आपका, आपको नियम, उसके अच्छे से नियम पता चलेगा या पता होगा, तो आपको कोई भी लिंग आपको देते हैं, कोई भी शब्द आपको देते हैं लिंग परिवर्तन के लिए या लिंग बदलने के लिए, तो आसानी से कर सकते हो। तो वो नियम आप एक बार देख लीजिए, देखिए, अकारांत संज्ञा के अंत में, ठीक है, अंत में
ओको ओको आ में बदल देना, ठीक है। क्या लिखा मैंने, अकरण संज्ञा के अंत में ओ को आ के बदल दे, ओ को क्या करना, आ में बदलना। अर्थात हमें जो शब्द देंगे वो शब्द में अगर अ उच्चारण आता है, उसका अंत में अगर आपका अ आ रहा है, तो इसको क्या करना है, आपको तुरंत आ के रूप में बदल देना है। कैसे माँ, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, देख लीजिए ये क्या है, बाल, ठीक है, बाल, बाल, क्या उच्चारण आ रहा है आपका, बाल, अ, ठीक है, बाल, अ उच्चारण आ रहा है, तो क्या करना है, इसको आ में बदल देना है। ये देखा मैंने अ है ना, यहाँ पे क्या है, अ है, ठीक है, ल में, ये ल क्या है, अकार शब्द के अंत में बोला है ना, ये क्या है, अंत है, अंत में क्या है आपका, अ आया, अ उच्चारण आया, उसको क्या करना है, उसमें अंत को, उसी को भी सेम अंत में आपको क्या करना है, आ में बदल देना है, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, बालक है आ था, उसमें क्या करना, आ, यानी कि आ नहीं लिखना है, आ की आपको मात्रा यूज करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आ की मात्रा उसमें लगा दिया, ठीक है। तो आपने इसको आ से आ में उसको बदल दिया, ठीक। उसी तरह और भी है, मान लीजिए मैंने दिया आपको तनय, ठीक है, तनय, तनय, आप उच्चारण कीजिए इसको तनय, ठीक है, तनय, तनय, औच्चारण आया आपका तनय, औच्चारण आया, यानी कि यहाँ पे क्या है, अंत में अ है, उसे क्या करना है आपको, आ बदलना है, ठीक है। तो क्या करना है आपका, तनय, और ये आपकी आ मतलब आ की मात्रा आपको लगाना है, तो आपने आ की मात्रा यहाँ पे बना दिया, क्या हो गया, तनय का आपका तनया हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आपको मिलते जाएंगे। और एक मैं देती हूँ आपको, मान लीजिए छात्रा, ठीक है, तो छात्र क्या है, छात्र, अ उच्चारण आपका आ रहा है ना, तो यानी कि अंत में क्या आया आपका, अ उच्चारण आया, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको अ का क्या करना है, आ में बदल देना, ठीक है। तो झट से हम क्या करेंगे, आ में बदल देंगे, यानी कि आ की मात्रा हम उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो छात्र को हमने क्या बना लिया, छात्रा, ठीक है, ये आपको क्लियर है। यानी कि अकरण संज्ञा के अंत में जो हमारा अ दिया रहेगा, ओ को सिर्फ क्या करना है, आ में बदल देना है, हो गया हमारा एक लिंग परिवर्तन का पहला एक नियम, ठीक है। दूसरा है हमारा, दूसरा है अक को एक में बदल कर उसमें आ जोड़ देना है, ठीक है। अक यानी कि अंत में आपका क्या रहेगा, अक रहेगा, और आपको क्या करना है, आपको एक में बदल देना है, ठीक है। एक में बदल कर उसमें क्या करना है, आपको आ जोड़ देना है, आ यानी कि आ की मात्रा आपको जोड़ देना है, ठीक है। ये रहा आपका अक, ठीक है, अ को एक, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक में बदल देना है, ठीक है। जिसलिए मान लीजिए मैंने आपको उसके बदल कर क्या करना है, आपको आ जोड़ना है, यानी कि आ की मात्रा आपको जोड़ना है, ठीक है। तो मैंने उदाहरण के लिए दिया, देख लीजिए आपको, गायक, ठीक है, गायक उच्चारण कीजिए, सेम डेफिनेशन है, सेम अकरण संज्ञा के अंत में अक को एक में बदल कर उसमें आ जोड़ देना है, ठीक है। यानी काम क्या है, आपको पहले बदलना है, उसके बाद आपको आ की मात्रा जोड़ना है, ठीक है। गायक और क आया यहाँ पे, गायक, गायक औच्चारण आया ना आपका, तो अब ठीक है, गायक को क्या करना है आपको, गायिका, ठीक है ना, हुआ एक, ये एक आपने लगा दिया, गायक हो गया, एक आपने कर दिया, आपको क्या किया आपने, अक में डाइवर्ट कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अंत में आ जोड़ देना, यानी कि उसमें आ की मात्रा जोड़ देना है, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी है, जैसे नायक, ठीक है, तो नायक का क्या होगा, सेम नायक मैंने लिख दिया अक को, एक बना दिया, अब आ की मात्रा जोड़ दिया, हो गया हमारा, कितना आसान है लिंग, आप देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा हल्के दिमाग से और थोड़ा सा मन लगा के आप सोचो तो कितना आसान है। और ये परिवर्तन के नियम अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मान लीजिए आपका लिंक बहुत इजी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा, ये हमारा बान या मान हो तो उसको क्या करना है, आपको मति या मति में बदल देना, यानी कि अकरण संज्ञा के अंत में अगर आपका प्रत्यय बान या मान हो तो उसको क्या करना है, उसको बति या मति में आपको बदल देना है, ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ हुआ सबको मिलते जाएंगे, शब्द आपको मिलेंगे। मान लीजिए पुत्रवान अगर दिया हुआ हो, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको दिया है पुत्रवान, ठीक है, पुत्रवान को आपको क्या करना है,
ये मैंने बांध था, मैंने एक एग्जाम्पल बांध का दिया, ठीक है। बांध को आपको क्या करना है, वती में बदल देना है, यानी कि आपको इससे पहले क्या लिखना है, पुत्र वती, ठीक है ना, समझ आया। यानी कि इस बांध को आपने सीधा क्या किया, पुत्र के साथ वती को जोड़ दिया, यानी कि अकारांत संज्ञा के अंत में प्रत्यय आपका वान या मान अगर है तो आप क्या करना, उसमें वती या मती को आपको जोड़ देना है, तो ये आपका हो जाएगा लिंग परिवर्तन, ठीक है। ठीक, उस तरह आपने मैंने वान का दिखा दिया, मान का ले लीजिएगा, श्रीमान ले सकते हैं, ठीक है, श्रीमान, तो मैंने श्रीमान लिया है, ठीक है। श्रीमान का आपको क्या करना है, मैंने बता के दिया, मान का क्या करना है, मती, ठीक है ना। तो आप ऐसे इसको जानते ही हो, मुझे अच्छे से पता है, आप सबको ये बता, लिंग सभी को अच्छे से पता होगा, और आप हम सब जानते ही हैं, ठीक है ना। अगर श्रीमान है श्रीमती होगा, फिर भी मैं आपको परिवर्तन बता रही हूँ अच्छे से, उसको समझ लीजिएगा, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। श्रीमान का हो गया, आपने क्या कर दिया, श्रीमती, ठीक है। आपको क्या करना है, मान का मती में बदल देना है, ठीक है। ये मान था, इसने आपने मती में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अकारांत, यानी कि अगर वो ओ हो तो उसको क्या करना है, इकारांत में बदल देना है, ठीक है। इकारांत मतलब बड़ी, ठीक है, इकारांत अर्थ में बदल देना है। मान लीजिए ये देखिए अकारांत को, ठीक है, अकारांत को, ठीक है, इकारांत में बदल देना है, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, जा आपको मुंह से बोल दी अच्छे से बड़े बड़े करके, और मैं ताकि शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ताकि ये जल्दी, ये वीडियो बहुत जने तो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, और आपको समझा रही हूँ, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आप देख लीजिएगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के भी दूंगी इसका नियम जो है, ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अकारांत को इकारांत बदल देना है, ठीक है। ये अ है, आपको क्या करना है, बड़ी मतलब ओप से आपको बड़ी में बदल देना है। कोई अगर वर्ड आपको दिया गया, मान लीजिए पुत्र दिया गया, ठीक है, पुत्र, यहाँ पे क्या है, अ है ना, हमने पहले भी किया, उसका मिलता जुलता एक है कि नहीं, तो ठीक उसी तरह तो सब बदला हुआ है, अ है पुत्र, ठीक है। पुत्र का हमारा क्या है, अंत में अ है, हमने क्या किया उसका, पुत्री बड़ी बना दिया है कि नहीं, देख सकते आप, ठीक है। तो ये था हमारा पुत्र का, हमने क्या किया, अ को हमने बड़ी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि अकारांत को हमने क्या करना है, इकारांत में बदल देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा है हमारा, मान लीजिए कोई भी एक उदाहरण दीजिए, पहले हम पुत्र को हमने क्या कर दिया, पुत्री बना दिया, अ को अ था उसमें हमने ई में बदल दिया। आप कोई भी और एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए देव, ठीक है, देव को, ठीक है, तो आपको मान लो मैंने लिया देव ना, देव को क्या करना है आपको, अ को, ये देव अ है ना, क्या करना है आपको, ई में बदल देना है, देवी, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, देव का यानी कि अ था यहाँ पे, देव अ है ना, क्या कर दिया हमने, बड़ी ही बना दिया, यानी कि बड़ी की मात्रा इसमें हमने बिठा दिया। और उदाहरण लीजिए हमारा कुमार, ठीक है, कुमार का क्या होगा, कुमार अ है यहाँ, कुमार अ, कुमार अ, क्या हो गया हमारा, कुमारी, ठीक है ना, आ ला, लास्ट में आ होता है जिसमें कोई मात्रा नहीं, उसमें उच्चार आ ही आ रहा है, ठीक है। क्या आ कुमार, उससे क्या हो गया हमारा, री, यानी कि बड़ी की मात्रा में उसका हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ठीक उसी तरह आपको फिर से और एक से टू सेम आकारांत को इकारांत में बदल देना है, ठीक है। आ आकारांत, ठीक है, आ को आपको क्या करना है, इकारांत मतलब आ यानी कि आ की मात्रा, ई यानी कि बड़ी की मात्रा, ठीक है। अकारांत को आपको क्या करना है, बड़ी की मात्रा में बदल देना है, ठीक है, समझ आया। मान लीजिए आप कोई भी उदाहरण लीजिए, मामा, ठीक है, मामा जो शॉर्टकट आप करते हो ना, एग्जांपल छोटे बच्चों के सबसे पहले हम देते हैं क्या, मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, काका काकी, ठीक है, ये सब आपको मिलता है ना, तो ये सब इसी का यही परिवर्तन है, ठीक है, ये लिंग परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो क्या है, मामा का क्या हो जाता है हमारा, आधा हमारा आकारांत को क्या करना है हमें, इकारांत बनाना है ना, तो क्या करेंगे, माम को फिर से लिखेंगे
और इस आ को हम उठा देंगे, उठा के यहाँ पे क्या कर देंगे, बड़ी की मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, समझ आया? ठीक उसी तरह मान लीजिए दादा, ठीक है, दादा को हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या था आ, हम क्या करेंगे दाद लिखा, इस आ को क्या कर देंगे, इस आ को यहाँ पे ले जाके क्या कर देंगे, बड़ी की मात्रा, हो गया दादा का दादी। ठीक है, आसान हो गया ना, कितना आसान है लिंग परिवर्तन करना, आपको दिख लीजिए। उसके बाद और भी कुछ हमारे लिंग परिवर्तन के नियम हैं जो इस जो उसके बाद और भी हैं, जैसे अ को, हाँ अ को जो कर आप नी में बदल सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ओ था, उसके बाद आपको नी में बदलना है। ठीक है, अ का करार शब्द को क्या है, नी की मात्रा से आपको बदल देना है, यानी कि नी शब्दों के रूपांतर आपको उसमें बदल देना है। तो मान लीजिए आपको दिया है मोल, ठीक है, मोल का आप क्या करोगे, मोर, और क्या करोगे, ओ उच्चा नहीं है, मोरो ओ मोर ओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, आपको हमने क्या करना है, नी में बदल देना है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये और भी ऐसे है, जैसे मान लीजिए सिंहा, ठीक है, सिंहा अ उच्चन आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका अ, तो अब क्या करना है, सिंहानी। सबसे पहली बात तो ये बच्चा कि आप लोगों को ना कुछ कुछ लिंग पढ़ने पड़ेंगे, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, हिंदी में उसका मान लीजिए अगर हम बंगाली हैं तो हम उसको क्या करेंगे, अगर दादी हैं दीदा को क्या करेंगे, दीदा दादू ना, मामा मामी, तो ये कुछ कुछ चीज़ें बंगाली के साथ मिलता जुलता है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप कुछ कुछ हिंदी के वर्ड्स को पढ़े, हिंदी के कुछ शब्दों को पढ़े, क्योंकि आपको पता नहीं चलता, ये परिवर्तन तो आप कर ही सकते हो, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और आप जितना पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, तो कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो आप पढ़िए ताकि आपको आसानी से उसका नियम पता चल सके। उसके और भी कुछ हैं, और भी लिंग हैं जिसमें आप चाहो तो अंत में आपको इन बदलना है। ठीक है, अंत में कोई भी वर्ड आपको दिया गया, मान लीजिए पुजारी, तो पुजारी को आपको क्या करना है, पुजारी में बदल देना है। ठीक है, इन आपको समझ आ रहा है ना, एक सेकेंड इसको पूछ लेती हूँ पहले। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको दिया पुजारी, ठीक है, पुजारी को आपको क्या करना है, पुजारी, ठीक है ना, इन वहाँ अंत में आपने क्या कर दिया, इन में बदल दिया। ठीक है, तो इसी तरह, ठीक है, उसी तरह आपको और भी हैं, मान लीजिए मैंने दिया आपको ग्वाला, ठीक है, ग्वाला को आपको क्या करना है, ग्वालिन, ठीक है, यानी कि अंत में आपको क्या करना है, अंत में आपको कोई भी वर्ड दिया गया है उसको आपको इन बदल देना है। ठीक है, यानी कि बड़ी की मात्रा भी, उसमें बड़ी भी हो सकता है, उसमें आ की मात्रा भी हो सकती है, तो कुछ कुछ चीज़ों को आपको पता चलना होगा, पता करना होगा कि उसको हिंदी में एक्चुअली करते क्या है। ठीक है, जैसे आपको पता है हिंदी में अगर मामा है, मामा की पत्नी को हम क्या कहेंगे, मामी कहेंगे। ठीक, उसी तरह और भी वर्ड्स आपको जानना जरूरी है कि मान लीजिए आप कोई ग्वाला हो तो उसकी बीवी को हम क्या कहेंगे, है कि नहीं, तो अगर माली है यानी कि बाग की देखभाल करने वाला है तो उसको बीवी को हम क्या कहेंगे, यानी कि उनकी श्रीमती को हम क्या कहेंगे, है कि नहीं। तो ये जानना कुछ कुछ चीज़ें हमारे लिए भी इम्पोर्टेंस है, तो अब ना आपको ये परिवर्तन भी जरूरी नहीं पड़ेंगे, जब आप थोड़ा सा सर्च करोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह आपको ना लास्ट में आयन में बदल कर भी, ये भी होता है आपका आयन में बदलना भी आपका आता है लिंग में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आयन अंत में आपको आयन बदल, जैसे मान लीजिए मैंने ठाकुर दिया, ठीक है, ठाकुरायन, ठीक है, ये ऐसे नहीं हुआ। ठीक है ना, ये चीज़ें जो आपको मिल रही है ना, ये पहले जमाने में बोला जाता था, ठाकुर की पत्नी जो थी उसको ठाकुरायन बोला जाता था, इसलिए हमें पता चला। ठीक, उस तरह पंडित जो है, पंडित की बीबी को हम पंडितायन कहते हैं, पंडितायन जी कहते थे। तो ये वहाँ से व्याकरणिक जो भी गेम है, जो ग्रामर वैज्ञानिक है, व्याकरणिक वैज्ञानिक जो है, यानी कि जिन्होंने भी व्याकरण के ऊपर रिसर्च किया, सर्च किया, विज्ञान के ऊपर, व्याकरण के ऊपर लिखा, जिन्होंने भी सभी क्या हुआ, उन्होंने ऑलरेडी उन चीज़ों को झेला हुआ है, देखा हुआ है, समझा हुआ है, फिर उन्होंने अपनी किताब या रचनाओं में रचना किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा उसको पढ़े समझे। ठीक है, और लिंग के ऊपर ये छोटा सा चित्ता, उसके बाद हम लिंग का दूसरा भाग भी आपको देंगे,
ठीक है। तो ये छोटा सा सिर्फ आज जो मैंने दिया वो बच्चे के लिए क्लास वन से लेकर फाइव तक, फाइव सिक्स तक काफ़ी है, सिक्स सेवन तक आगे नहीं चाहिए। और जो दूसरा मैं आपको दूंगी वो बड़े क्लासेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे जाकर मैं लिंग, देखिए सिर्फ लड़की हो या लड़का हो, यानी कि पुरुष जाति हो स्त्री जाति हो, यही लिंग नहीं होता। हमारे आसपास कितने सारी चीज़ें हैं, क्या इसमें ये कोई जाति में नहीं आते है कि नहीं? फ्रूट्स हैं यानी कि फल है, फूल है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ पर्वत है, नदी है, झरने हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी व्याकरणिक जो वैज्ञानिक है यानी व्याकरणिक जो हैं उन्होंने, जिन्होंने भी व्याकरण को रचनाएँ किए हैं उन्होंने उनको भी एक कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। उनको भी एक जाति में रखा गया, किसी जाति को मान लीजिए कविता कहानी होगा तो उनको हमने क्या किया स्त्रीलिंग में रख दिया, ठीक है। नाटक या उपन्यास होगा तो उसको पुलिंग में रखा हुआ है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, लिंक के नेक्स्ट वीडियो में। जो फिलहाल हमारे जो छोटे बच्चे हैं वन से सेवन तक उनके लिए नहीं चाहिए, हालांकि ये सारे बच्चों के लिए चाहिए, ये एकदम आगे जाकर सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंस है। तो ये देख सकते हैं और आगे जो मैं लिंक की वीडियो आपको देने वाली हूँ वो बड़े बच्चों के लिए स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर। कोई भी